हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बड़ी खबर है, चाइना पर टूट पड़ा भारत, सड़कों पर आए हजारों लोग, चाइना तिब्बत प्रोटेस्ट, एस जयशंकर। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या हो रहा है? चीन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। चीन में भी पीओके जैसा बवाल शुरू हो गया है। मजे की बात देखिए कि भारत ने भी मौके का फायदा उठाकर गरम लोहे पर हथौड़ा मार दिया है। भारत चाहे तो वो चीन को कई टुकड़ों में तोड़ सकता है। इस खबर को पूरा देखिए, आपको जबरदस्त सुकून मिलेगा। दरअसल भारत की सीमा से लगे तिब्बत में आग लग गई है। चीन के एक गलत कदम से तिब्बत में बगावत की चिंगारी फूट पड़ी है। चीन ने इस बगावत को कुचलने की कोशिश की तो चिंगारी आग में बदल गई। अगर भारत चाहे तो वो इस आग में घी डाल सकता है। आपको बता दें कि भारत की सीमा से लगते तिब्बत में चीन ने हजारों तिब्बतियों और सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं को गिरफ्तार कर लिया है। तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे का विरोध करने वाले एक्टिविस्ट चाहते हैं कि भारत कोई एक्शन ले। इन सभी लोगों का मानना है कि भारत से ही तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। दलाई लामा भारत में ही बैठते हैं। ऐसे में अगर भारत कोई दबाव बनाए तो तिब्बत की आजादी में ये एक बड़ा कदम होगा। वैसे आपको बता दें कि भारत ने एक बड़ा खेल कर भी दिया है। इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। तिब्बत में शुरू हुए प्रदर्शन बिल्कुल पीओके में चल रहे पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों जैसे हैं। दोनों ही जगहों पर भारत से एक्शन लेने की मांग हो रही है। दरअसल तिब्बत में एक बांध को लेकर चीन और तिब्बती लोग भिड़ गए। तिब्बत में अगर चीन ने बांध बना दिया तो हजारों तिब्बती लोग बेघर हो जाएंगे। बांध के विरोध में 1000 से ज्यादा तिब्बती और 100 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु चीन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। चीन ने इन सभी के साथ मारपीट की और इनको गिरफ्तार कर लिया। चीन और तिब्बती लोगों के बीच अगर ये बवाल बढ़ जाता है तो तिब्बत की आजादी की मांग और मजबूत हो जाएगी। आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले उइगर विद्रोहियों की एक पार्टी ने भी भारत से मदद मांगी थी। उइगर विद्रोहियों की तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उइगर मुसलमानों को बचाएं। तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के एक बड़े लीडर ने ये बात ब्रिटेन के एक थिंक टैंक से इंटरव्यू में कही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि उइगर मुसलमानों को चीन से बचाने के लिए भारत से मदद मांगी गई थी। यानी अब तिब्बत और उइगर मुसलमानों के इलाके शिनजियांग में चीन के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहे हैं। इन दोनों ही जगहों से भारत को पुकारा जा रहा है। ऐसे में भारत ने भी एक बड़ा दांव खेल दिया है। तिब्बत में बवाल के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान सामने आया है। एस जयशंकर ने कहा है कि चीन ने मनमाने तरीकों से LAC पर सैनिकों की तैनाती की है, समझौतों को तोड़ा है। एक तरीके से देखा जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान तिब्बत से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि LAC से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तिब्बत ही है। तिब्बत पर चीन का कब्जा ना होता तो चीनी सीमा भारत से लगती ही नहीं। बिल्कुल। देखो, चाइना में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई तिब्बत में, पर अभी जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही कम है। कह रहे हैं 1000 को कुछ लोग हैं, 100 जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, मॉन्क्स होंगे मेरे ख्याल से। और ये तो बहुत लार्ज स्केल में जब होगा तब होगा। और वहां पे देखो, अभी उन्होंने प्रोटेस्ट, वो चाइना का तो पॉलिसी यही है कि हल्की सी भी कोई प्रोटेस्ट हो, कोई चिंगारी हो, वो तो उसको उसी टाइम ऐसा बंद बुझा देते हैं। कि वो कह तो रहे थे कि उनको पकड़ के ले गए, उनको चाइना जो है डेमोक्रेसी नहीं, वही तो यही तो प्रॉब्लम, सिंगल पार्टी रूल है, वो एक झटके में सबको क्रश करके सबको सीधा कर सकता है और करता है। वो यही तो कर रहा है, वो यही तो कर रहा है। और जैसे उनकी न्यू जनरेशन आ रही है उनको पता, वही तो मैं कह रही थी, मैंने कहा कि उन्होंने तिब्बत में इतने चेंजेस ले आए हैं कि कई अब जो जाते हैं, जो अभी छोटे बच्चे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल जाते हैं, उनको तो ये हिस्ट्री नहीं पता कि चाइना ने हमारे तिब्बत को कब्जा करके रखा हुआ है और हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है। और जो हमारे दलाई लामा हैं वो तो इंडिया में आए हुए हैं, शरण लेके उनको दी गई है, उनको तो ये सब पता ही नहीं। वो तो ऐसे उनको लगता है कि भैया हम और चाइना एक ही हैं, हम भी चाइनीज ही हैं। कोई वीडियो थी उसमें हम देखे थे, चाइना वो कंट्री है जो छोटी से बड़ी हो गई, तो उनको तोड़ना जैसे कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है।
चाहे कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि वो लोग छोटे से थे और बड़ा होना चाहते हैं, इतना ग्रैब कर करके इतनी इंडिया से 3 times बड़े हो गए हैं और अभी भी रुके नहीं है, अभी रुक नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे, थोड़ा सा एक एक इंच करके धीरे करके वो सब कर रहे हैं। उनकी नजर पाकिस्तान पे भी है, इंडिया पे भी है, रशिया पे भी है, हर जगह पे उनकी है, ताइवान पे है, वो तो हर जगह। उन्होंने मिस्टर दलाई लामा की इक्वल जो पोजीशन होती है वहाँ पे अपना बंदा भी रखा हुआ है और वहाँ के तिब्बतन लोग जो हैं उसी को देखते हैं, उसी को करते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही उसने अपना ऐसा इन्फ्लुएंस स्फीयर बना लिया है कि अब मुझे लगता नहीं है कुछ भी हो मुझे पाएगा। तो लग रहा है बहुत लेट हो गए हैं, बहुत लेट हो गए हैं। वहाँ के लोग भी जिस तरह से हैं अब वहाँ पे आदत हो गई है उनको, अब ये कोई डैम से रिलेटेड है इसलिए उन जो जिनका जा रहा है मतलब लैंड जा रही है, जमीन जा रही है, उन्होंने ही प्रोटेस्ट किया। तो ओवरऑल मतलब वो जागृति जो आनी चाहिए वो नहीं आई है, इससे ज्यादा तो मुझे लगता है पीओके में है, पीओके में जो है लोग वहां पे ज्यादा उसको वो कर रहे हैं। प्रॉब्लम आती है जहां पे इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहां लोग भूखे मर रहे हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब किसी को दिक्कत आती है तब वो सोचता है अगर मैं उस कंट्री के साथ होता तो कितना अच्छी होती मेरी लाइफ। मगर जहां पे पूरा एरिया ही जो प्रोग्रेस कर रहा है, जो एरिया ही पूरा आगे चला गया, वो लोग नहीं कहेंगे कि भाई हमें सेपरेट करो, ये करो, वो करो, अनलेस कुछ कोर लोग होंगे, मगर जैसे जनरेशन जा रही है टाइम चलता जा रहा है और बहुत लेट होता जा रहा है। और उन लोगों ने स्ट्रेटेजिकली अपने लीडर्स लेके आ गए कि अच्छा आपके कल्चर का ये लीडर है, आपके कल्चर का आपका ये चाहिए, आपका ये, धीरे धीरे पूरा कंट्रोल करके खत्म हो जाएगा, कोई किसी को पता ही नहीं होगा, उनको लगा हम पहले से चाइना के पार्ट थे। मतलब इसलिए कह रहा हूँ चाइना की हिस्ट्री देख लीजिए, वो कंट्री जो इंक्रीज हुई है रिड्यूस नहीं हुई, पर देखते यू नेवर नो, मैं तो ये सोच रही हूँ, पर कोई पता नहीं होता कल को धीरे धीरे कुछ सालों में आप एक कि वाकई कुछ मेजर गरीब कंट्री को आप टैकल कर सकते हैं, आप एक कंट्री जो जिसमें डेमोक्रेसी है उसमें कुछ करा सकते हैं, क्योंकि हर बार जो है बंदा अपने एक टर्म खत्म हो गया फिर दूसरा बंदा आता है, तो वहां पे लोगों को लग रहा है कि हमारे 5 साल ये, फिर दूसरा बंदा आएगा, फिर कुछ करेगा, दूसरा बंदा आएगा, तो डेमोक्रेसी एक ये फ्रेजिलिटी है, उसमें काफी फ्रेजाइल होती है डेमोक्रेसी। तो पूरा कंट्रोल जहाँ पे पूरा कंट्रोल है वहां पे, और स्पेशली जो इकोनॉमिकली भी पावरफुल कंट्री है जो यूएसए को चुनौती दे रही है, जो यूएसए के टक्कर में आ रही है, जब भी यूएसए जब बात करता है कि देखो भैया सिक्योरिटी में अच्छा करना है तो चाइना की बात करता है, रशिया की बात नहीं करता, रशिया टॉप 10 इकोनॉमीज में नहीं है, राइट, और ठीक है वो कोशिश कर रहे हैं मगर पैसा उनके पास नहीं है, तो नेट रिजल्ट ये है अमेरिका के टक्कर में अभी चाइना ही खड़ा है जिसके पास पैसा है और लैंड साइज भी है। एंड ऑफ द डे ये भी होता है कि आपकी कंट्री बड़ी कितनी है, राइट, और डेफिनेटली काफ़ी मतलब यूएस और चाइना का जो स्क्वायर फुटेज है ऑलमोस्ट इक्वली है, तो ये भी फैक्टर है। यहाँ तो दलाई लामा जो है वो ज्यादा आवाज उठाएं, जोरदार आवाज उठाएं और यूएसए का सपोर्ट मांगे और दूसरी कंट्रीज का सपोर्ट मारें और सारे सारे मिलजुल के फिर कोई एक्शन करें, क्योंकि हम अब एज इंडिया हम तो नहीं वॉर कर सकते तिब्बत को जिताने आजाद करने के लिए। उस टाइम करते जब आ रहे थे तब किया था, जब अटैक चाइना तब करते तो बात डिफरेंट थी, अब क्या कर रहे हैं। जो भी सोशल मीडिया में जिसमें हम लोग हैं वो वहां तक पहुंचता नहीं है, जो उनका तो अपना क्लोज सोशल मीडिया होता है, तो आप जो सब कुछ बंद किया हुआ है उनका, तो कुछ भी नहीं, सब जो भी पोस्ट कर रहे हैं वहां पर जाता ही नहीं है, तो सोशल मीडिया ज्यादा इफेक्ट। उन्होंने तो पहले से पूरा अपना सिस्टम ऐसा किया हुआ है कि सब कुछ अपने कंट्रोल में है उनके, वो तो पूरा दबा देंगे इसको जहां तक मुझे लगता है। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।